Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. अंत दे विच मैं हो कहूंगा मत भेद भुला के बैठिए सियासी विरोध अपनी जगह है वो होना चाहिए। एक गल मैं होर कहा साड़ी खुशकिस्मती भी है असी मर गए लुटे गए निगले गए ये शब्द बहुत वरतते हैं पर असी ताकतवर हैं साढ़े ते गुरु साहब की कृपा है। मस्जिद ढा के मंदिर बना दिता गया कई मुल्क है मुसलमाना दे लेकिन आवाज नहीं उठी। धारा 370 खत्म कर दी गई लेकिन आवाज नहीं उठी। तो साड़ी ये खुशकिस्मती है गुरु साहब की कृपा है पिछले कुछ दिन पहला यूपी दे विच एक सिख की कुटमार हुई अमरीका तक सिखा ने विरोध किया आस्ट्रेलिया के सिखा ने विरोध किया इंग्लैंड के सिखा ने विरोध किया ये साढ़े जिंदे होने का सबूत है। पैर दे विच जदों साढ़े कोई माड़ी जी चोब मारदा ना तो साढ़े सिर नूं पता लगता है साढ़े शरीर नूं पता लगता है ये जिंदा होने की निशानी है। साढ़े एक सिख दे नाल दुर्व्यवहार किया जाता है भारत की धरती के उत्ते या दुनिया के किसी हिस्से के उत्ते साड़ी पूरी कौम जिहड़ी है वह उठ खड़ी हुंदी है। पार्लीमेंटां के सामने मुजहरे हुंदे ने एजेंसियां के सामने मुजहरे हुंदे ने ये साड़ी जिंदा होने का सबूत है। असी जिंदा है साढ़े ते गुरु साहब की कृपा है निराश होने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी लोक परलोक दे राखे तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी श्री दरबार साहब जी के आभा मंडल दे विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहब जी के उत्ते जुड़ बैठी साध संगत जी सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असे जून 1984 के घल्लूघारे के दौरान शहीद होने वाले महान शहीदां सिंघां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हां। मेरे तो पहला मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी श्री दरबार साहब जी ने आप जी नूं संबोधन होंदिआं कहा इस घल्लूघारे दे विच जिथे सिख कौम दे मरदे मजाहत बाबा जरनैल सिंह जी ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। जिस तरह 1962 दे विच भारत ने चीन ते हमला किया 1965 ते 71 दे विच पाकिस्तान ते हमला किया श्री अकाल तख्त साहब जो सिखां दी स्वतंत्र प्रभु सत्ता का प्रतीक है बिल्कुल पाकिस्तान ते चीन वांग ही इस महान तख्त श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते उस वक्त की भारत की हुकूमत ने हमला किया और उही व्यवहार किया इत्थे जो व्यवहार जेतू फौजां जिहड़ियां किसी मुल्क दियां वो दूसरे मुल्क दे विच जाके उन्हां दे बशिंदियां दे उत्ते भी शायद ना करन लेकिन साडे नाल उस तों भी भैड़ा माड़ा मंदा सलूक जिहड़ा है भारतीय फौज ने इस घल्लूघारे के दौरान इस अस्थान के उत्ते कीता है। एक ऐसा नसूर है सिख कौम के पिंडे के उत्ते जड़ा सारा साल रिसदा रहिंदा है मैले नाल भर जांदा है पीड़ करदा है दर्द करदा है और अज दे दिन असी खालिस्तान जिंदाबाद कह के उस मैली नूं बाहर कढ़दे हां ताकि साड़ी पीड़ ठंडी होवे साडा दर्द घट होवे। इनू भुलाया नहीं जा सकता इनू मिटाया नहीं जा सकता ये हमेशा तक याद रहूगा।
मैं कहना चाहना आप जी नूं कि असी इस नसूर दा इलाज किस तरह करना है, इहदी दवाई की है असी जानते हैं, लेकिन प्राप्त किवें होनी है ये असी कदे सिर जोड़ के बैठ के सोचन विचारन दा जतन नहीं किया। अज जरूरत है कि असी अपने मत भेद भुला के, अज जरूरत है कि असी छोटे छोटे वितकरे भुला के श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती दे विच इकट्ठे होके बैठीए। ये जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दीवान है, सचखंड श्री हजूर साहब बोर्ड है, पटना साहब बोर्ड है, या साडियां संप्रदावां ने, साडियां सिख जथेबंदियां ने, ये साडी ताकत है और इस ताकत नूं कदे असीं कमजोर नहीं होण देना है। साडा सियासी विरोध वो अलग चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन इन संस्थावां नूं कमजोर नहीं किया जाना चाहिए सियासी विरोध की आड़ दे विच। साध संगत जी, सानूं बहुत सारियां ईमेल आईयां कि अज दे दिन नूं अमृतसर नसल कुशी ऐलानिया जाए। ये जिहड़ा 84 का कल्लू घर है, ये सिर्फ अमृतसर साहब के स्थान के उते ही नहीं भारतीय फौज ने हमला किया, बल्कि 37 सिंह साहब जी ने भी दस्या 37 होर गुरधामों के उत्ते भी भारतीय फौज ने हमला किया, तो उत्थे भी शहादत हुई ने, सिंघां दीआं कुरबानियां हुई ने उत्थे सिंघां दीआं। नसल खुशी साड़ी हुई है 1 नवंबर तो 4 नवंबर तक लैके दिल्ली कानपुर टाटा नगर दी सड़कों के उत्ते, इत्थे साडे जरवाणियां ने मुकाबला किया है, जिनी अकाल पुरख ने मेरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने समर्था बख्शी सी, उस समर्था के मुताबिक भारतीय फौज नू मूँह तोड़ जवाब दिता है, बिल्कुल उस तरह जिवें 1745 दे विच कानूवाल दे छंभ दे विच दित्ता सी, भावें 7000 सिंह बच्चे बच्चियां शहीद हो गए, कोपर हीड़े दे स्थान दे उत्ते मलेरकोटले दे विच वड्डे घल्लूघारे दौरान दित्ता सी, चाहे 35000 सिंह सिंघड़ियां शहीद हो गए, उवें 1984 दे विच वी साडे जरवाणियां ने भारतीय फौज नूं गुरु साहिब वल्लों बख्शी समर्था दे मुताबक मूँह तोड़वां जवाब दित्ता है। इस करके कौम इनू 84 का घल्लूघर जिहड़ा है वह प्रवान कर चुकी है, सरकार इनू ब्ल्यू स्टार कहती है, सरकार इनू साका नीला तारा कहती है, कही जाए। मैं मीडिया नूं भी कहना चाहना कि साका नीला तारा ब्ल्यू स्टार ऑपरेशन ये शब्द जिहड़ा है वह वर्तन तो गुरेज किया जाए, क्योंकि इहदे नाल सानूं दर्द हुंदा है। इनू 84 का घल्लूघर कहा जाए, यह घल्लूघर सी, घल्लूघर दा अर्थ हुंदा है सर्वनाश, ये साडा सर्वनाश करन दा यतन सी भारतीय फौज वल्लों जो इस अस्थान दे उत्ते कीता गया। असीं हर साल मनाउने आ, मनाउणा चाहीदा वी है, सिर जोड़ के बैठीए। अंत दे विच मैं इहो कहूंगा, मत भेद भुला के बैठीए, सियासी विरोध अपनी जगह है वह होना चाहीदा। एक गल मैं होर कहां, साडी खुशकिस्मती वी है, असीं मर गए, लुट्टे गए, निगले गए, ये शब्द बहुत वरतदे आ, पर असी ताकतवर हैं, साढ़े ते गुरु साहब की कृपा है, मस्जिद ढा के मंदिर बना दिता गया, कई मुल्क है मुसलमानों के, लेकिन आवाज नहीं उठी, धारा 370 खत्म कर दिती गई, लेकिन आवाज नहीं उठी। तो साड़ी ये खुशकिस्मती है, गुरु साहब की कृपा है, पिछले कुछ दिन पहला यूपी दे विच एक सिख की कुटमार हुई, अमरीका तक सिखा ने विरोध किया, आस्ट्रेलिया के सिखा ने विरोध किया, इंग्लैंड के सिखा ने विरोध किया, ये साढ़े जिंदे होने का सबूत है। पैर दे विच जो साढ़े कोई माड़ी जी चोब मारदा ना, तो साढ़े सिर नूं पता लगता है, साढ़े शरीर नूं पता लगता है, ये जिंदा होने की निशानी है। साढ़े एक सिख दे नाल दुर्व्यवहार किया जाता है भारत की धरती के उत्ते या दुनिया के किसी हिस्से के उत्ते, साड़ी पूरी कौम जिहड़ी है वह उठ खड़ी हुंदी है, पार्लीमेंटां दे सामने मुजहरे हुंदे ने,
ਅਬੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।